शाजापुर दौरे पर है सीएम मोहन यादव और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं इस कार्यक्रम की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाजापुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम है और इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस समाज के लोगों की ओर से बोले महाराणा प्रताप की, महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का शपथ समारोह है और मेरे को किसी हालत में 1 बजे उड़ जाना था, नहीं तो 3 बजे पहले दिल्ली के अंदर हवाई जहाज उतरने की परमिशन की आखिरी सीमा 3 बजे के पहले पहले अगर अपन पहुंचे तो मोदी जी के कार्यक्रम में पहुंच पाएंगे। लेकिन आपका प्रेम था, सब प्रकार की बाधा पार करते हुए मैंने कोशिश की कि भले ही 5 मिनट जाऊंगा लेकिन सुजालपुर जरूर जाना पड़ेगा। आप सबका प्रेम, अपने यहाँ के मंत्री इंदर सिंह जी से अभिन्न मित्रता और अपने ये मेवाड़ा समाज का अद्वितीय आपका जोश उत्साह, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान सम्मानित केदार सिंह मंडलोई जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं हेमराज सिंह सिसोदिया जी, अध्यक्ष जिला पंचायत आलोक अशोक नायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हरी सिंह मंडलोई जी, अरुण भीमावत जी, माननीय विधायक घनश्याम सिंह चंद्रवंशी जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती बबीता परमार जी, पूर्व विधायक फूल सिंह मेवाड़ा जी, जसवंत सिंह मेवाड़ा जी, अचल सिंह मेवाड़ा जी, नाम तो इतने सारे, सबको ही प्रणाम कर देता हूँ नहीं तो टाइम इसी में चला जाएगा। इस अवसर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमने एक ऐसे सूर्य के भांति अपना जीवन पूरा आलोकित करने वाले महापुरुष का आज जन्म जयंती है और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। महाराणा प्रताप का जीवन जितना पढ़ो उतना कम है, जितने प्रकार से जानना चाहो उतना कम है। एक ऐसे जीते जी जो किंवदंती बन गए, कोई महाराणा प्रताप के बारे में सोच करके युद्ध में सामने आए और उनका वर्णन करके दुश्मन को जब बताया जाता था कि जो 76 किलो का तो कवच लेके चलते हैं और 80 किलो का भला हाथ में है अगर और दो दो तलवार और बाकी सब अलग, तो आदमी सोच के दिमाग घूम जाए कि 80 किलो का भला लेके एक हाथ से जो युद्ध करके निकले उस व्यक्ति का मुकाबला करने में क्या कैसे मुकाबला करेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप ने जीते जी, और मनुष्य तो क्या चेतक से भी उनकी मित्रता का जो उदाहरण दुनिया में आज भी अद्वितीय है, ऐसे महाराणा प्रताप के लिए मैं प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं, यह हमारा सौभाग्य है। तमाम प्रकार के मुगलों के आक्रमण के बाद, मुगलों के तमाम प्रकार के आतंक के बाद भी, चाहे जंगल में जाके घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन स्वाभिमान के साथ, देश की स्वतंत्रता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और इसीलिए आज दुनिया में ऐसे शूरवीर महापुरुष के अगर अपन याद करें उसमें महाराणा प्रताप का नंबर 1 का स्थान है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिनके कारण से पूरी भारत माता अपनी संतानों के प्रति विशेष आनंद में डूबती है और आज लोकतंत्र में तो यह और ज्यादा महत्व का है। जिनके अपने कोई सेठ साहूकार भी हो तो उसको भी कितनी प्रेरणा होगी कि पूरा का पूरा खजाना भामाशाह ने महाराणा प्रताप को युद्ध में दे दिया, ये उनके लिए भी नमन करने वाला मामला। और जो जंगल में रहने वाली वनवासी जातियों के लिए भी कोई जाति का बंधन नहीं, महाराणा प्रताप की विशेषता ये रही, सबसे प्रेम करते, सबको लेके चलते और भील समुदाय से लगा करके सारे समुदाय में समान रूप से आदर के केंद्र। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति में
कांग्रेस के समय उनको निकाल के बाहर कर दिया था, हमारी शिक्षा नीति में उनको स्थान दे करके अगली पीढ़ी को महाराणा प्रताप को जानने का मौका दे रहे हैं। और उससे बढ़कर के आज के दिन, वैसे तो मोदी जी के बारे में कल के लिए निकाला था मुहूर्त तो कि वो कल ही शपथ समारोह कर ले, लेकिन मोदी जी ने तय किया है, अरे इससे बढ़िया पवित्र दिन कौन सा होता है जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है इस देश के लिए। ये मोदी जी ने समय तय किया और आज का दिन इतना सौभाग्यशाली है। आज थोड़े समय की कमी है, लेकिन मेरे सामने कुछ विषय लाए गए। एक मेवाड़ा पद के नायक जो आर्मी में ड्यूटी पर रहते हुए शहीद हुए हैं, इनसे जुड़े हुए मसले पे उनको सभी प्रकार की सुविधा देने का मेरे पास पत्र दिया है। मैं आपके साथ हूँ, जांच करा करके पूरी मदद जो सरकार कर सकती है वो जरूर उनके साथ करेगी। इस अवसर पर